हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे अंडा और अरवी। ये देखिए, हमने अरवी को अच्छे से छील लिया है, फिर इसको हम पानी में थोड़ी देर डुबाए थे, फिर इसको अच्छे से इसको हमने वॉश कर लिया है, नमक डाल करके इसको थोड़ी देर रख दिए थे, इसका लबापन निकल जाए। और ये देखिए, अदरक लहसुन का पेस्ट है और ये 5 अंडा है। अंडे को हमने बॉयल कर लिया है और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। अभी हम इसमें और मसाला मिलाएंगे। तो देखिए, अदरक लहसुन के पेस्ट में हम जो है 2 स्पून पिसा हुआ धनिया डाल देंगे। स्वाद अनुसार हम नमक किसी भी मिला देंगे और 1/2 स्पून हम हल्दी डाल देंगे। ये 1 स्पून हम गरम मसाला मिला देंगे। ये घर का बना हुआ है गरम मसाला। हमने गरम मसाले की वीडियो जो है अपलोड की है, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो देखिए, कुकर में हमने तेल डाल लिया है सरसों का। अब हम इसमें अंडा जो है फ्राई करेंगे। आप जो है रिफाइन भी डाल सकते हैं। तो अंडा जो है ये बिल्कुल फ्राई हो चुका है ब्राउन कलर का। अब हम इसको अंडे को निकाल लेंगे। अब हम उसी तेल में मेथी डाल देंगे, मेथी का तड़का लगाएंगे, फिर उसके बाद हम प्याज भी डाल देंगे। मेथी जो है हमारी चटक रही है, फिर हम प्याज भी डाल देंगे। प्याज हो चुकी है ब्राउन कलर की। अब हम इसमें मसाला डाल देंगे। मसाले की हम अच्छे से भुनाई करेंगे। इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे। एक चुटकी हम क्रश करके ये कसूरी मेथी भी ऐड कर देंगे। कसूरी मेथी। मसाला जो है बिल्कुल भून चुका है, इसमें बढ़िया सी खुशबू आ रही है। अब हम ये अरवी डाल देंगे और इसको भी हम हल्के हाथों से चला लेंगे। इसको भी हम भून लेंगे अच्छे से, थोड़ी देर इसको भी हम भून लेंगे। अरवी जो है बिल्कुल भून चुकी है। अब हम इसमें अंडे डाल देंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे, वो भी हम पानी गर्म डालेंगे। पानी हम गर्म इसलिए डालेंगे ताकि हमारा ये अंडा अरवी जो है जल्दी से भी बन जाए और इसका स्वाद ही कुछ और होता है। अब हम इसको चला करके पैक कर देंगे। आप चाहे तो ठंडा भी पानी डाल सकते हैं, पर हम जो है गर्म पानी डाले हुए हैं। अब हम कुकर को पैक करेंगे 2 सीटी आने के लिए। तो देखिए फ्रेंड, ये 2 सीटी हो चुका है। अब हम इसको उतार लेंगे चूल्हे से और हम इसको सर्व करेंगे। तो गाइस देखिए, हमने सर्व कर दिया है। देखने में कितना अच्छा है कलर, खाने में भी बहुत टेस्टी है। आप भी एक बार इसे ट्राई ज़रूर करिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू।